ये सूरज भी ना कितने भी नए टॉयज दिला दो कदर ही नहीं है उसको। अरे वाह, नया टॉय। हाँ वो सूरज के लिए लाए थे। कैसे चलता है? रिमोट से। तो चला के दिखाओ ना एक बार। अरे मुझे और भी काम है। अरे प्लीज प्लीज दिखा दो ना एक बार। ठीक है। ठीक है, क्या मैं भी चला के देखूं एक बार? प्लीज चलाने दो ना एक बार। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। अरे ये यहाँ कैसे आ रही है? अरे देखिए कार, मैं अभी लाती हूँ आपकी कार को। हाँ अब खुशी को दिखा के। हाँ वो मुझे आपका फ्रिज देखना था। फ्रिज? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर क्यों? मुझे तो बस ये दो टमाटर ही चाहिए थे। अब तो आप मुझसे बोल देते, मैं आपको दे देती। नहीं नहीं ऐसे मैं आपको थोड़ी तकलीफ दे सकती हूँ। चलो मैं चलती हूँ, और कुछ लेना होगा तो आ जाऊंगी। अरे पूजा भाभी, वो मैंने ना कुछ खाने का ऑर्डर किया है, पर मुझे जरूरी काम से भी बाहर जाना है। मैं बस आधे घंटे में आ ही रही हूँ, तो आप प्लीज वो ऑर्डर ले लेना ना। हाँ 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 मैं ले लूंगी। ठीक है। मैडम जी, आपका पार्सल। हाँ थैंक यू। सॉरी प्रिया भाभी, पर मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। पूजा भाभी, वो मेरा ऑर्डर। ऑर्डर? वो सारा खाना तो खा लिया। खा लिया? वो मेरी खुशी जिद कर रही थी कि क्या है इसमें क्या है, तो खा लिया। पर वो तो कितनी छोटी है, इतना सब वो कैसे खा सकती है? अरे नहीं नहीं उसने तो थोड़ा सा ही खाया था, बाकी सब मैंने खा लिया। अब खाने का बिगाड़ा थोड़ी कर सकती हूँ। आप ना एक काम करो और मंगवा लो। वैसे खाना बहुत टेस्टी था। हाँ इनका कुछ ज्यादा ही हो गया है, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। पूजा भाभी आपको याद है मैंने आपको टमाटर दिए थे, तो उसके बदले में आपने मुझे कुछ नहीं दिया। तो मैं क्या दूं? अरे कुछ भी, जैसे कि ये मफिन, और आप वो सूरज की कार लेके गए थे ना, तो मैं भी बदले में खुशी का ये टॉय लेके जाती हूँ। ठीक है, और वो खाने की चीज के बदले में मैं बाद में आती हूँ लेने। ठीक है? अरे रुको, आप ऐसे मेरी चीजें नहीं लेके जा सकते। क्यों क्यों नहीं ले जा सकती? क्योंकि ये सारी मेरी चीजें हैं। ये क्या बात हुई, मेरी चीजें मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप अपनी चीजें मुझसे शेयर भी नहीं करते। अगर मैं आपको हर चीज देती हूँ तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी मुझसे अपनी चीजें शेयर करो। आप हमेशा मेरी चीजें ले लेते हो और जब आपकी बारी आती है देने की, तब आप भीगी बिल्ली बनकर बैठ जाते हो और देते ही नहीं। अब भी वक्त है, सुधर जाओ
वरना 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 क्या? वरना ये कि कल सुबह हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर आप ये सब किसे मांगोगे? जा रहे हो? हाँ, फिर तो आप मुझे बस याद ही करना। चलो अब मैं चलती हूँ, सारा सामान पैक करना है, मुझे बहुत काम है। अरे प्रिया भाभी रुकिए, ये लीजिए सूरज की कार। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आज तक आपसे कितनी चीजें ली पर आपने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। अब आपके जैसे पड़ोसी तो मुझे कभी मिलेंगे ही नहीं, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए ना। बाकी सारी चीजें भी मैं आपके सुबह जाने से पहले दे दूंगी। कोई बात नहीं, आप तो आराम से लौटाना। आराम से मतलब? मतलब ये कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो मजाक कर रही थी आपको सबक सिखाने के लिए और आपको याद दिलाने के लिए कि आज तक आपने मुझसे कितना सारा सामान ले लिया और बदले में कुछ नहीं दिया। क्या? हाँ, मतलब कि अब मैं आपसे कुछ भी मांग सकती हूँ और दे भी सकती हूँ।